नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन बाल। उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक बीएस सिद्धू की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दरअसल आज याचिकाकर्ता रविंद्र जुगरान ने प्रेस क्लब देहरादून में ही प्रेस वार्ता कर बीएस सिद्धू पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उनके खिलाफ सख्त कानूनी जो कार्रवाई है उसका भी करने का आग्रह कर दिया है। वही रविंद्र जुगरान ने बीएसए सिद्धू समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने के लिए आज राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें कि बीएस सिद्धू पर देहरादून के राजपुर रोड पर 9 बीघा जमीन पर फर्जी तरीके से जमीन हथियाने और पेड़ काटने के गंभीर आरोप लगे हैं। और आपको बता दें कि जुगरान ने कहा है कि साल 2012 में ही बीएस सिद्धू ने उत्तराखंड में डीजीपी के पद पर रहते हुए ही इसका दुरुपयोग करते हुए 9 बीघा जमीन पर कब्जा किया और साथ ही 25 साल के पेड़ भी काटे, और ऐसे में बीएस सिद्धू के खिलाफ दोगुनी कार्रवाई होनी चाहिए। उपयोग करने के कारण और एक रक्षक का भक्षक बनने के कारण ये सब सवाल उन पर खड़े हुए हैं, और ये उनके डीजीपी बनते समय भी खड़े हुए और उससे पहले भी। वो जब रेलवे सुरक्षा बल से यहाँ उत्तराखंड में अपना योगदान देने के लिए आए थे एक आईपीएस ऑफिसर के नाते, तो उन पर तो तभी आरोप रेलवे सुरक्षा बल ने ही लगा दिए थे, और सीबीआई को चिट्ठी लिखी थी कि इन्होंने आय से 145 गुना अधिक संपत्ति इन्होंने अर्जित की है 145% टाइम्स, और सीबीआई ने स्टेट से यहाँ परमिशन मांगी थी लेकिन उस समय के शासन ने परमिशन नहीं दी। तो आरोप तो उन पर आरोप का और सिद्धू जी का तो एक दूसरे का चोली दामन का साथ है। वहीं सितारगंज में धान की तैयार फसल में अज्ञात कारणों से आग लग गई है और लपटों की चपेट में आकर करीब 3 एकड़ धान की पक्की फसल जलकर नष्ट हो गई है। दमकल कर्मियों ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया और ग्राम मलपुरी निवासी जसमेल सिंह पुत्र जीत सिंह ने ही खुनसरा गांव में ही नेमचंद सागर की भूमि खेती के लिए बटाई पर ली थी। और आपको बताते चले कि जसमेल सिंह ने करीब 3 एकड़ भूमि में धान की फसल बोई थी, जिसे जसमेल सिंह इसी सप्ताह काटने की तैयारी में लगे हुए थे। बुधवार को अज्ञात कारणों से धान की पक्की फसल में आग भड़क पड़ी और आग की चपेट में आकर करीब 3 एकड़। उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने पीएम मोदी को असाधारण प्रतिभा का बयान बताया है। आपको बता दें कि वहीं उन्होंने पीएम मोदी को आशात भगवान का अवतार बताया है। आपको बताते चले कि संभल के चंदोसी में ही मेला गणेश चौथ के संस्थापक डॉक्टर गिरिराज किशोर की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंची यूपी सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी भगवान के अवतार हैं और भगवान ने उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। मोदी जी जब जो चाहते हैं वो करा देते हैं, चाहे घंटे बजवाने हो या मंजीरे बजवाने हो, और ये सब करा देते हैं। दरअसल राज्य मंत्री ने संभल लोकसभा से सपा सांसद शफीक उर रहमान बर्क के ही इस बयान को लेकर बयान दिया है, जिसमें एसपी सांसद ने कहा था कि देश का प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक होना चाहिए। वो भारत रत्न के उच्च अधिकारी थे और पूरा प्रयास किया जाएगा कि उनके लिए भारत रत्न मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में कई बार हमारी बात भी हुई है और उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है कि जैसी उनकी इच्छा थी डॉक्टर गिरिराज जी की जो गणेश जी की प्रतिमा है जिसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाए, उनकी यह अभिलाषा निश्चित वो हमारे बीच में नहीं है लेकिन ये निश्चित पूरी होगी, ऐसा हमें विश्वास है। दीपावली पर जुए को लेकर संभल से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर जुआरियों को पकड़कर अवैध वसूली कर उन्हें छोड़ने के विरोध के बाद से ही पुलिस पर बीजेपी नेता से दरिंदगी का बड़ा आरोप लगा है। बीजेपी नेता की नाक से कुल्हे तक गंभीर चोटें आई हैं और पुलिस पर पिटाई का आरोप भी है। वहीं एसपी ने कहा है कि सरकारी कामकाज में व्यवधान के केस दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पूरा मामला बनियाठर थाना क्षेत्र के ही गाँव नेहटा
का बताया जा रहा है। कथित रूप से ही पुलिस की पिटाई से पीड़ित बीजेपी मंडल अध्यक्ष गिरिराज किशोर मौर्य के अनुसार वे घर में पूजा कर रहे थे और पुलिस गांव में पहुंची। उन्होंने कहा कि जुआरियों को पकड़कर वसूली कर पुलिस क्यों छोड़ रही है, आरोप के अनुसार ही जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ लाई और बेरहमी पर ही पट्टों से पीटा और इसके साथ ही कहा कि तुझे मंडल अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं। कथित पुलिस पिटाई में बीजेपी नेता की नाक पीट और कुल्हों पर पीटे जाने से गंभीर चोटें आई हैं। वहीं पीठ और कुल्हों पर पट्टे की पिटाई के स्याह निशान भी हैं और वहीं एसपी का कहना है कि गांव में जुए की सूचना पर चार पुलिसकर्मी गए हुए थे, जहाँ पुलिस अजामत हुई है और सरकारी कामकाज में व्यवधान का केस दर्ज कर तीन लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ऐसा है, मेरे संज्ञान में आया, फोन आया था तो मैंने फोन किया थाने बनियाठेर थाने ऐसे को फोन किया था मैंने कि ऐसे मंडल अध्यक्ष को पकड़ लाए हैं क्या, तो उस समय परमेश्वरलाल सैनी थाने में ही थे तो बात हुई कि चलो हम परमेश्वरलाल सैनी इनको दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं इनको। उसके बाद बात खत्म हो गई, मुझे कुछ नहीं पता जानकारी। लेकिन अभी जब शाम को मेरे पास मानी सुरेश सैनी जी का फोन आया, ऐसे ऐसे मंडल अध्यक्ष की पिटाई की है और हम लोग सब थाने में हैं और आप आइए, तो मैं तुरंत गांव से निकला। लेकिन उससे पहले ही थाने से वो सरकारी अस्पताल में आके उनके मेडिकल को ले आए। बहुत ही निंदनीय घटना है और मेरे मंडल अध्यक्ष को काफ़ी पिटाई पुलिस ने की है। उसके फोटोग्राफ मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के लिए भेज दिए हैं और मेरी भी एसपी साहब से बात हुई है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की भी बात हुई है और जो भी होगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बनियाठेर के अंतर्गत आज शाम को पुलिस को यह सूचना मिली कि ग्राम नेहटा में कुछ लोगों के द्वारा गांव के मध्य में भारी भीड़ इकट्ठी करके जुआ खेला जा रहा है। पुलिस के चार पुलिसकर्मी मौके पर जांच के लिए पहुंचे, वहां पर उपस्थित लोगों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई तथा घेर कर उनका सामान छीनने की कोशिश की गई। पुलिस कर्मियों के द्वारा थाने पर सूचना दी गई, थाने से अतिरिक्त पुलिस फोर्स वहां पर पहुंचा, वहां पर भी गांव के कुछ व्यक्तियों के द्वारा पुलिस के साथ मुजामत की गई। पुलिस के द्वारा हल्का बल प्रयोग करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वह 332 353 आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करते हुए, जिसमें कुल 11 लोग नामजद हैं जिनमें से तीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। अरविंद केजरीवाल की नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फोटो छापने के बयान ने अब सियासत शुरू कर दी है। तमाम दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया के बाद अब संभल के एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने ही केजरीवाल के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए महज सियासत बताया है। दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कहा था कि नोटों पर गांधी जी के साथ लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो भी होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी कांग्रेस सहित तमाम दलों के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के बयान को चुनावी बयान भी बता दिया है और वहीं अब संभल लोकसभा सीट से एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने ही कहा है कि नोटों पर लक्ष्मी गणेश का फोटो छापने की केजरीवाल की मांग सियासत है। नोटों पर गांधी जी का फोटो छपता है और वही छपता रहे, वही यूपी सरकार शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी द्वारा पीएम मोदी को अवतार बताने पर कहा, ये गुलाब देवी की चमत्कारगिरी है और अगर मोदी अवतार है तो सियासत से इस्तीफा दें, उन्हें सियासत करने की क्या ज़रूरत है, इस्तीफा देकर उनकी पूजा करें। ये सियासत नहीं है, सियासत से अलहदा चीज़ है। ये यानी जो गवर्नमेंट की जो ये पैसे की ताकत होती है उसका उसके बाकायदे उसका हिसाब किताब होता है, लेकिन उस पर किसी अवतार वतार की नहीं है। मतलब ये है कि वो जो सियासी लीडर हों उन्हीं की छपती है। इंदिरा गांधी वही क्या नाम है गांधी जी जो थे उसको सारा हिंदुस्तान मानता था, सब मानते थे, तो उनकी तस्वीर तो होती है उन पर, समझ गए। लेकिन अब ये कहना कि इसमें अवतार की तस्वीर किसी की छपनी चाहिए, ये तो सियासत है। सियासत में अवतार से क्या काम है, सियासत से और अवतार से तो बहुत बड़े फासला है। हम तो यही चाहते हैं जैसा यानी रस्म व रिवाज के हिसाब से या दस्तूर के हिसाब से या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जिस तरीके से पैसे की है उसकी
हैसियत बनाई गई है उसमें गांधी जी का फोटो छपा रहता है वैसी रहनी चाहिए। अमेठी में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया है। देवेंद्र सिंह को इनोहा के थाना अध्यक्ष का प्रभार दिया गया है तो वहीं इंग्लैंड तिवारी को ही चौकी प्रभारी बनाया गया है। होशीला हत्याकांड में सस्पेंड हुए ब्रजेश कुमार सिंह को ही सर्विलेंस सेल प्रभारी बनाया गया है। आपको बताते चले कि कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इलामारन ने ही एक दर्जन से ज़्यादा उप निरीक्षकों का तबादला इधर उधर से किया था। प्रयागराज के इंडिया कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे टोल प्लाजा के पास विद्यांचल दर्शन कराने जा रही टवेरा गाड़ी बिजली पोल से टकराने के बाद गहरे खड्डे में जा गिरी और जिससे 5 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है। मौके पर पहुंची हंडिया पुलिस ने ही एम्बुलेंस की मदद से घायलों को तत्काल हॉस्पिटल भेजा और मृतकों के शव को पोस्टमार्टम भेजकर अग्रिम कार्रवाई की। आपको बता दें कि घटना की जानकारी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उच्च अधिकारियों को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश दे दिए हैं। घटना हंडिया टोल प्लाजा जलपथ प्रयागराज में हुई है। आज सुबह पुलिस को लगभग 6:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक टवेरा गाड़ी जिसमें लगभग 10 लोग सवार थे, वे विंध्याचल की ओर जा रहे थे, तभी बिजली के पोल से गाड़ी अनियंत्रित हुई और उनका बैलेंस बिगड़ गया। इस पर लगभग 5 लोग जो घायल हैं उनको SRM हॉस्पिटल भेजा गया है। श्रावस्ती में साइबर ठगों का बड़ा कारनामा सामने आया है, जहां एक युवक के खाते से ठगों ने 4 दिन में ही 69,600 रुपए उड़ा लिए हैं। साइबर ठगों ने 8 अलग अलग खातों में रुपए ट्रांसफर किए हैं। युवक को मोबाइल पर पैसे निकलने के मैसेज आने पर इसकी जानकारी हुई, तब जाकर युवक ने बैंक पहुँच कर ही अपने खाते को लॉक करवाया है और पुलिस को जानकारी दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। हमारे खाते से सर 79,600 रुपया निकल गया है। हम कलेक्ट्रेट श्रावस्ती प्रधान सहायक के पद पर कार्यरत हैं। क्या नाम है? वर्तमान में नायब नाजिर तहसील भिंगा में कार्यरत हूँ। मेरा खाता संख्या 20 82 76 34 631 है। वे इलाहाबाद इंडियन बैंक शाखा भिंगा में खाता था, जिसमें से दिनांक 22/10/2022 से लगातार 25/10/22 तक प्रतिदिन 19,900 रुपया शाखा प्रबंधक या अन्य कर्मचारियों की मिली भगत से टोटल अमाउंट 79,600 रुपया निकाल दिया गया है। हरदोई के शहर कोतवाली क्षेत्र में खूनी संघर्ष में गोली लगने से पिता पुत्र की मौत हो गई है और जबकि दूसरे पक्ष से 4 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में पहुंचाया गया है और सूचना पर SP और ASP और CO पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पड़ताल की और वहीं जिला अस्पताल पहुंचकर अधिकारियों ने घायलों का हाल जाना है। SP ने बताया है कि शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। मामूली विवाद में ही गोली से गाँव के दहल जाने वाले और पिता पुत्र की मौत के साथ 4 अन्य के घायल होने की सनसनीखेज वारदात शहर कोतवाली क्षेत्र के भदेचा की है। बताया जाता है कि यहां के निवासी शिव कुमार उर्फ बाबू राठौर और गांव के ही गुड्डू सिंह के बीच विवाद चल रहा है और बताया ये भी जा रहा है कि देर रात शिव कुमार उर्फ बाबू तमंचा लहरा रहा था और ये देखकर ही उसका विवाद गांव के ही गुड्डू से हो गया, तो कुछ कहा सुनी हो गई और विवाद बढ़ने के बाद दोनों पक्षों में गोली चल गई, जिससे बाबू राठौर 45 पुत्र राम नारायण उसके 23 वर्षीय पुत्र लकी की मौत हो गई है और वहीं दूसरे पक्ष से गुड्डू सिंह समेत 3 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये ग्राम भदेचा है थाना कोतवाली सिटी के अंतर्गत। इसमें थोड़ी देर पहले एक गुड्डू सिंह का परिवार है, एक बाबू सिंह का परिवार है,
जिसमें कि गुड्डू सिंह का परिवार, गुड्डू सिंह और उनके बेटे हमलावर होकर बाबू सिंह के परिवार के ऊपर हमला किए। इसमें बाबू सिंह और उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है, दो अन्य घायल हैं। इसमें केस रजिस्टर करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।